अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, क्या हाल चाल है सब लोगों का? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो भाई आज नेक्स्ट डे है, हमारी गाड़ी जो है वो पेंट होगी होगी। आज ऑफिस से जाते हुए जो है गाड़ी को हमने साथ लेके जाना है, मेरे ख्याल से पेंट होगी होगी, और देखते हैं जाके पेंट कैसा हुआ है। और कल सुबह जुमा है, जुमे वाले दिन हमने आपको बताया कि वादा किया था आप लोगों से कि गाड़ी मॉडिफाई करनी है सारी, तो जो चीज़ें भी करेंगे वो मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है? तो अभी जाके ना शाम को भी बस दुकान बंद करता हूँ थोड़ी देर में, और इसके बाद जाके गाड़ी लेनी है, और फिर घर निकलते हैं गाड़ी लेके, देखते हैं पेंट कैसा हुआ है। लाइन के नाल ही दफ्तर है पीछे, मैं करा देना। और कोई चाह पानी कोई ठंडा? नहीं नहीं, कुछ कुछ नहीं। ताड़ी मेहरबानी, ताड़ी अपनी वर्षा जितो मर्जी आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, अगेन वेलकम। जुमा पढ़ने जा रहा हूँ, और आके जो हमने आप आज ये अंधेरी है, ये खैर आके हम लोगों ने आपको आज एक ऐसी चीज़ दिखानी है। दिखानी क्या, गाड़ी आप लोगों ने मेरी देख ली थी, E200, ये आपके सामने खड़ी है गाड़ी E200। इसके मैंने अब बम्पर वगैरह शावर करवा लिए थे, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी हो गई ये अब गाड़ी। अब इसके अंदर काम करना है, थोड़ी सी हमने मॉडिफिकेशंस करनी है, ठीक है? अंधेरा थोड़ा नज़र नहीं आ रहा। खैर बम्पर जो है फुल नीट एंड क्लीन हो गए हैं, सिर्फ बम्पर ही होने वाले थे, बाकी गाड़ी साफ थी। और अब हमने इसको करना है थोड़ा सा मॉडिफाई। अभी जुमा पढ़ने जा रहा हूँ, जुमा पढ़ के आगे आप लोगों को बताता हूँ इसका क्या क्या मॉडिफाई करना है। खुद ही कुछ चीज़ें घर में करनी है, कुछ चीज़ें बाहर से करवानी है, तो जुमा पढ़ के मैं आगे आपको तफसील से बताता हूँ हम लोगों ने क्या क्या करना है इस गाड़ी के साथ। और गाड़ी इंजन वाइज ओके है, सस्पेंशन वाइज ओके है बिल्कुल। इसका जो रिव्यू है, मैंने पहले भी अपनी नार्डो ग्रे कलर की गाड़ी का रिव्यू किया हुआ है, सेम ये वही मॉडल है, वही चीज़ है, तो इसका मेरा नहीं ख्याल दोबारा रिव्यू करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मोटा मोटा आपको ज़रूर बता दूंगा इसका मैं। चलो जी जुमा पढ़ाते हैं, फिर आके देखते हैं इसे। तो जुमा पढ़ के मैं आ गया हूँ, हल्की हल्की बारिश होना स्टार्ट हो गई है। पहली चीज़ आपको जो हम नोट करवाते हैं वो है, इस गाड़ी का भी नंबर भी 200 है, ये इस्लामाबाद की गाड़ी है, और इस गाड़ी का भी नंबर जो है वो 200 है, ये सिंध की गाड़ी है। बाई चांस दोनों गाड़ियों के नंबर हमें सेम मिल गए। और अब आ जाते हैं इस टॉपिक पे कि आज मैंने इस गाड़ी को करना क्या है। तो करना ये है, इसकी फ्रंट जो ग्रिल है ये ब्लैक करनी है, इसका लोगो ब्लैक करने है, वो जो ऊपर जाली है इसको ब्लैक करेंगे। इसके अलावा इसकी जितनी भी ट्रिम्स हैं गाड़ी के अंदर, ये सिल्वर कलर की, ये सारी जो साइड पे भी जाती हैं ये सारी हमने ब्लैक करनी है, तो ये काम करने हैं। इसके बाद जो हमने बाहर से काम करवाना है गाड़ी का, वो ये करवाना है कि गाड़ी की छत जो है इसको रैप करवाना है, ठीक है? और एक और मैंने जो मैं एक लगाता हूँ आपको ना, जो थंबनेल होगा ना उसके ऊपर मैं एक चीज़ लगाऊंगा, गाड़ी को ना यहाँ से भी रैप करवाना है, तो वो पिक्चर देखिएगा, अगर वो अच्छी लगी तो गाड़ी को यहाँ से भी हम रैप करवाएंगे, जो कट्स हैं ना यहाँ पर भी रैप अच्छा लगेगा, जिस तरह रोल रॉयस का आता है ना यहाँ पर टू टोन कलर में गाड़ी, तो वो छत के साथ यहाँ पर भी अगर आए तो वो भी मैं पिक्चर लगा दूंगा, आपको आइडिया आ जाएगा उसके साथ किस तरह की लगती है। तो मैंने सिर्फ डिज़ाइन की है गाड़ी को, पहले करने से पहले पेंट शेंट करने से पहले मैंने वो एक डिज़ाइन बनाया था, वो मैं थंबनेल में भी लगा दूंगा, और वैसे भी मैं यहाँ पर भी पिक्चर लगा दूंगा उसकी। तो भाई मौसम जो है थोड़ा अच्छा हो गया, अब यहाँ पर लगाते हैं एक पंखा और अपना काम शुरू करते हैं। मैं अंदर से टेप स्प्रे ये सारी चीज़ें लेके आता हूँ, फिर इसको ना तैयार करना शुरू करते हैं। ये एक मैट स्प्रे है और एक जो है ये शाइन वाली स्प्रे है, पहले मैट करके देखते हैं, अगर मैट अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में शाइन वाला करते हैं। और ये ब्लैक टेप है जो हम लोगों ने ये ट्रिम्स पे करनी है, ये पेपर की तरह की है, चिपक जाएगी अच्छी तरह से, ये हम जितनी भी ट्रिम्स हैं इस पर करेंगे। ये जी ग्रिल उतारने लगे हैं, अब ग्रिल उतार के पेंट होनी है। हल्की से क्या हुआ, खुल जाएगा? ये उतारनी है? नहीं नहीं, ग्रिल उतारनी है, वो क्यों उतारना है? वो भी ये जो मैंने लगाई थी रात को, इसको उतारते हैं ताकि एक ही पीस लगाएं। ये मैंने दो पीस लगाए थे, इसको उतार देते हैं ना ताकि एक ही पीस लगे। ये जी यहाँ से लेके यहाँ तक लगा दिया, अब इसकी कटिंग करते हैं अच्छे से, फिर इसको उतार के देखते हैं क्या बना है। बिल्कुल परफेक्ट आई है लाइन, ये देख बता ठीक हो गई है। अभी कार ही रहते, बारिश हो गई है, थोड़ा सा हुआ है लेकिन बारिश हो गई है। अब ये ग्रिल को कर लेते हैं पहले पेंट, जरा ये ग्लोसी ब्लैक ज़्यादा अच्छी लगनी है, मैट नहीं अच्छी लगनी। ग्लोसी किसी ने की नहीं यार, किसी ने भी ग्लोसी नहीं की। करके दे लो,
ग्लॉसी यार, ग्लॉसी लोगों में अच्छी लगनी है, मैट है फीकी फीकी सी पड़ जानी है। अच्छी मैट ही लगती है और लगती अच्छी लगती लोगों ने ग्रिल कर दी है, ब्लैक फुल मैट ब्लैक कर दी है और बारिश हो रही है और ये हमारी छत जो है ये लीक करने लग गई है। बारिश रुक चुकी है, आप काम दोबारा से अपना स्टार्ट करते हैं। ये ग्रिल मैंने अभी लगा दी है, फिक्स कर दी है, ब्लैक अच्छी लग रही है, ग्रेसफुल लग रही है। इसकी ना नंबर प्लेट ये जी, इसकी पहले ये अच्छी तरह खुश कर लें। ये मैं उधर आया था बाहर, तो भाई गाड़ी की आपको अपडेट दे दें। गाड़ी यार जो टेप हमने लगाई है वो बड़ी मुश्किल लगाई है और वो इतनी अच्छी कोई लगी भी नहीं है। तो बाकी जो इसके लाइट के ऊपर हमने स्मोकी कलर करवाने वो कल करवाऊंगा। ग्रिल जो थी वो मैंने ब्लैक करवा दी थी और कल इसको लेके जाएंगे। बाकी काम जो है वो बाहर दुकान से किसी से करवाएंगे क्योंकि मेरे से सही नहीं था हो रहा। और इसकी छत भी ब्लैक करवानी है, तो अगले पार्ट जो अगली चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। आज मैं गाड़ी की फ्रंट दोनों लाइट्स जो हैं वो ब्लैक करवाने आया हूँ, ठीक है। इसके साथ छत को भी ग्लोसी ब्लैक करवाएंगे ताकि एक अच्छी लुक निकल आए गाड़ी की। तो आज ये काम करवा लेते हैं अपनी गाड़ी का। ये जी छत जो है, छत का काम हमारा जो है ये मुकम्मल हो गया हुआ है। मैंने ग्लोसी ब्लैक छत करवाई है और अच्छे वाला पेपर लगवाया ताकि स्क्रैचेस वगैरह ना पड़े। और ये जो छत है इसके ऊपर से आप ये स्टिकर वो जो लेमिनेशन होती है ये उतार रहे हैं, तो इसके नीचे से लुक चेक करें, बड़ी ही ज़बरदस्त लुक आ रही है। इसके नीचे फुल शाइन के अंदर है माशाल्लाह। तो ये उतारते हैं फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये जी गाड़ी की नंबर प्लेट जो है ये मैं डिज़ाइन करवा रहा हूँ यहाँ से। गाड़ी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, प्यारी लुक आ रही है जी। इसकी यहाँ पर नंबर प्लेट फ्रंट पे लगा लें, बड़ी वाली पहले लगी थी, छोटी आप लगवानी है ज़रा बड़ी वाली। बस 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 उधर को हफ्ता आ जा रही है, बैक से कर दे आप। यार मैं आगे गाड़ी खड़ी कुछ नहीं होता। हाँ चल बस रंग छेड़ना सही। ये जी हमने इसकी ग्रिल भी ब्लैक कर दी है और इसके बैक पे मोनोग्राम जो थे इसको भी ब्लैक कर दिया। तो माशाल्लाह बड़ी प्यारी गाड़ी की लुक आ रही है। अब गाड़ी हो गई हमारी क्या। तो ये थी गाड़ी की हमारी फाइनल लुक जो आप लोगों ने देख ली। अब नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग C180 और E200 दोनों की हम रेस करवाएंगे, देखते हैं कौन जीतते हैं। दोनों में सेम इंजन है, सेम चीज़ें हैं। अगले व्लॉग में हम लोग इन दोनों गाड़ियों की रेस करेंगे। तो भी जो हमारा नेक्स्ट व्लॉग होगा उसके अंदर इंशाल्लाह हम लोग अपनी गाड़ियों की रेस करके देखेंगे। अपना इलेंट्रा के साथ भी C180 को भगा के देखेंगे, E200 को भी भगा के देखेंगे और आपस में भी इन दोनों की रेस वगैरह करवाएंगे, ठीक है। और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक, बाकी वीडियोस भी मेरे चैनल पे देख लें और भी व्लॉग्स हैं। सो स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।